नमस्ते का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज हम रिएक्ट कर रहे हैं फरहान अली वारिस का एक नोहा है बाबा जान। ये सुजैन खान है जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस वीडियो पे भी रिएक्ट करूं, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस नोहे में किसका जिक्र किया गया है। बिकॉज अभी तक जो मैंने देखा है नोहा में या तो किसी इंसिडेंट का, किसी ओकेजन का जिक्र होता है जिसको उन्होंने नोहा के रूप में पढ़ा होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हमें आज कौन से उस ओकेजन के बारे में पता चलता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाबा बाबा, मैं अकेली अंधेरा वो दश्ते बला, जल गए खैर में कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा। मैं लरजने लगी दिल धड़कने लगा, बाबा उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के खून से कुर्ता मेरा तर हुआ, उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रो के चचा बस, शेमरे मुझे मार रहा है, मेरी मदद को कोई ना आया, बाबा मैं रोती बाबा। बाबा जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम हाले सफर, शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊँ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊँ। बाबा जान शिमर ने जा, बाबा जान शिमर ने जा, मारे तमाचे मुंह पर बालियां खींची मेरी, कुर्ता हुआ खून में तर, बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नीले हैं रुखसार मेरे, क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर। शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ। बाबा बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊँ, ज़े शरार गमी सूजम भी थमामी ये वजूद, दोबारे बायद बे खूनम यकी बुद यकी नबूद, बाबा जून दर्द बे जूना, 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 बाबा जून खुश उमदेद, बाबा जून खुश उमदेद, मंजिल फकीरों ने बिया बिन्शिन बिशनो, दर्द दिले यतीमों ने, बाबा जून खुश उमदेद, बाबा जून खुश उमदेद, गुरबुन खाके कदमे बे खुदा दिलम में सुख रफ्ती सफर नदीद में,
وقتی رفتی دشمن و آتش زدن بخوای ماها بر خاطر چه می زدن کتک به بچه ها بابا 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 جون دردت بجونم بابا جون دردت بجونم اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان بازو بندھے بابا جان بازو بندھے سب کے بندھا میرا گلا جب رسن کھیتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا بابا جان میں نے کیا بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں بابا بابا جون دردت بے جونا بابا جون دردت بے جونا بابا جون بین ہمیں بابا جون بین ہمیں جون منو ببین به صورتم سیلی زدن بابا جون بین همه بابا جون بین همه همه منو خیلی زدن بابا جون منو ببین به صورتم سیلی زدن هر کی صورتم رو دیده میگه چون زهرا شده صورت مادر تو آخر مگر چطور شده بابا 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 جون دردت بے جونا بابا جون دردت بے جونا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان دیکھ نہ کیا بابا جان دیکھ نہ کیا سن بھی نہ پاؤگے بیان میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان بابا جان تم بھی مجھے بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو تیرا سو میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں بابا جون دردت بے جونا بابا جون دردت بے جونا بابا جون داداش علی رو به کجا بردی بابا بچه ها میگن اونو پیش خدا بردی بابا بچه ها میگن اونو پیش خدا بردی بابا بابا جون به من بگو بر سر تو چی اومده داداشم علی اکبر بر چی نیومده دادا شام علی اکبر بر چی نیومده من نمی فهمم بابا من نمی فهمم بابا بازی و با هم چی مگه همه بیم بگن یتیم بابا یتیم بکی مگه من نمی فهمم بابا من نمی فهمم بابا بازی و با هم چی مگه همه بیم بگن یتیم بابا یتیم بکی میگه مگر هر کی که باباش رفت سفر یتیم میشه یا یتیمونه که تو خراب این مقیم میشه بابا 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 جون دردت بے جونا بابا جون دردت بے جونا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں بابا جان تم کو نہیں بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر
अब मुझे लोग बुलाते हैं यतीमा कह कर, बाबा जान आज तलक, बाबा जान आज तलक मैं ये समझ पाई नहीं, बाप का जाना यतीमी या असीमी है पदर। लोग मुझसे यही कहते हैं कि तू मांग दुआ, अब किसी को भी यतीमी न मिले तेरी तरह। बाबा बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, बाबा जू कादत बेजूना, बाबा जू कादत बेजूना। اینجا با زخم زبون، اینجا با زخم زبون، تش به دل خامی زنن، اینجا رسمشون بده بچه یتیمو می زنن، اینجا با زخم زبون، اینجا با زخم زبون، تش به دل خامی زنن، اینجا رسمشون بده بچه یتیمو می زنن. زه شرار غم می سوزم به تمامی وجود، دوباره باید بخونم یکی بود یکی نبود. بابا 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 جون قدت بجونا، بابا جون قدت بجونا، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان آپ کا سر، بابا جان آپ کا سر، جب مجھے زندہ میں ملا خود کو نہ روک سکی، ضبط میرا ٹوٹ گیا۔ بابا جان دور ہوئی، بابا جان دور ہوئی، اب میرے صدموں کی تھکن، آ گئے آپ بس اب چین سے آئے گی قضا۔ بس یہی ختم ہوئی مظہر و فرحان بکا، لے چلو ساتھ مجھے والی سکینہ نے کہا۔ بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ इस नोहे में बहुत ही पीन है, और ये जो नोहा है बीबी सकीना का है, और बीबी सकीना के ऊपर उन्होंने बनाया है कि इस नोहा में बीबी सकीना का पूरा दर्द बयान किया गया है, और बहुत ही दर्द भरा नोहा अगर हम बोले इसे ये है। बीबी सकीना जो है वो हुसैन इब्न अली की सबसे बिलव्ड डॉटर थी, मतलब वो उनको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, और इसमें उन्होंने अपना दर्द बयान किया है कि पापा मैं ऐसे डर के मारे कांप रही हूँ बाबा, और मतलब मेरा दिल जो है इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, और जो शिमर है उसको देख के पूरी तरह से डर गई हूँ, और उसने मुझे मारा और कि मेरे मतलब फेस पे उनकी ऐसे उंगलियाँ भी छप गई हैं, और वो डर के मारे अपने भाई के पीछे छुप रही थी। कि एक होता है ना कि इस पूरे नोहा का सुनते हुए ना, मतलब वो सीन पूरी मतलब जैसे कहते हैं ना हम कि विजुलाइज करते हैं, तो वो पूरा सीन आंखों के सामने आ रहा था। मुझे लगता है ये जो करबला का युद्ध हुआ था उसी टाइम का इंसिडेंट होगा कि उस टाइम पे उनके साथ में ऐसा किया गया होगा, बट एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कि ये करबला से ही रिलेटेड है या नहीं, बट मैंने एक करबला का ही वॉर जो सुना है जिसमें हुसैन की फैमिली को भी बहुत बुरे तरीके से उन्होंने ट्रीट किया था, तो मुझे लगता है ये वही करबला से ही रिलेटेड है ये वाला टॉपिक भी। इसमें मतलब उन्होंने ऐसे अपने जैसे होता है ना एक छोटा बच्चा अपने पापा के सामने रो के बिलख के बताता है कि देखो लोग मुझे बोलते हैं कि मैं दादी जैसी लगती हूँ, और मतलब आप क्या मतलब ये बर्दाश्त कर पाओगे कि आपकी माँ के साथ क्या हो रहा है, आपकी माँ का चेहरा कैसा उन्होंने कर दिया है। वो बताती है कि उन्हें इतनी ज़ोर से उन्होंने मारा है कि बाबा आप भी मुझे देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे कि उसकी उंगलियाँ और अंगूठी भी जो है उनके गाल पर छप गई है। तो मतलब इतनी दरिंदगी उस टाइम पे उन लोगों के साथ में हुई थी कि मतलब उन्होंने ना तो छोटे बच्चों को छोड़ा था ना लेडीज़ को छोड़ा था। वो बताती हैं कि जो
आंटी हैं उनकी जकीना आंटी के बारे में भी उन्होंने बोला था कि उनके साथ में भी बहुत बुरा सलूक किया है। सारा मतलब सुन के एकदम से ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि मतलब कितना बुरा उस टाइम पे जो होता है कि वॉर में जितना भी डिसगस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं किसी लेडी के साथ में या किसी बच्चे के साथ में वो सब इसमें बयान की गई हैं। और वो बोलती हैं कि मुझे लोग बोलते हैं कि मैं यतीम हूँ, उसे यतीम का मतलब तक नहीं पता कि क्या होता है। वो बोलती है कि क्या मतलब जिनके बाबा नहीं है उनको यतीम बोलते हैं या जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको यतीम बोलते हैं। मतलब पूरा उनका जो दर्द है वो इसमें इस नोहा में बयान किया गया है। इस नोहा को मैं क्या बोलूँगी, मतलब बहुत खूबसूरत। ओबियसली मतलब इसकी लाइन्स अच्छी हैं जो अंदर रूह तक को टच करती हैं कि इंसान इमोशनली उसको फील करता है उस मोमेंट को कि उस टाइम पे उनके साथ में क्या हुआ होगा, विच मेक्स एवरीवन वेरी इमोशनल। क्योंकि जब हम लोग जब तक हम दिल से या माइंड उस चीज़ पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करके नहीं सुनते और ऐसे ही बस सुनते रहेंगे तब हम उनका पेन जो है उसको फील नहीं कर सकते। बट जब हम पूरा मन से सुने ना तो इस नोहे में जो उनका दर्द बयान किया गया है उसको हम लोग एक्चुअली फील कर सकते हैं कि मतलब कितना उनके साथ में बुरा सलूक किया गया था उस टाइम पे। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि मतलब सच में बहुत ही इसमें दर्द है। और आज की इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।